वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जागृति आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। बनाने वाले हैं लच्छा मठरी रेसिपी। आपने लच्छा पराठा तो सुना ही होगा, आज हम लच्छा मठरी बनाते हैं। ये इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मठरी बनाना। ये मैंने आधा किलो मैदा ली है और देखिए मैदा को मैंने छान लिया है। और मैं यहाँ पर 1 चम्मच जीरा ले रही हूँ। ये एक मैंने डाल दिया है इसमें। और अजवाइन लिया आधा चम्मच मैंने। यहाँ पर ब्लैक पेपर, काली मिर्च ली हैं आधा चम्मच समथिंग। इनको अच्छी तरह से बारीक कूट लिया था। और 1 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार आप लोग रख सकते हैं। और यहाँ पर अच्छी तरह चम्मच की हेल्प से सब मिला लेंगे ताकि आटे में अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सब मिला लिया है बड़े अच्छे से। अब हम यहाँ पर मैंने घी गरम कर लिया है, ये लेंगे। थोड़ा सा मोयन के लिए घी डालेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पहले थोड़ा ही डालेंगे और मिलाकर देखेंगे अच्छी तरह से आटे में मिला लेंगे धीमे धीमे। और इसको हमें अच्छी तरह से आटे में गूंदना है ताकि ये मिल जाए, कहीं पर भी इकट्ठा ना रहे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लिया है। और इसको हमें इतना ऑयल डालना था कि बस जितना हम हाथों से दबाएं, तो ये देखिए इस तरीके से बस इतना ही मोयन डालना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और पानी की हेल्प से आटा गूंद लेंगे। इसको एक बढ़िया सॉफ्ट डो तैयार करेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैंने जीरा डाला है। जीरा आप अपनी इच्छा अनुसार है, आप चाहें तो पसंद करते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा मैदे का डो तैयार हो गया बनकर। और इसको अब हम एक बॉक्स में रख लेंगे और लगभग 15 मिनट तक रखा रहने देंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार किया है। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ताकि यहाँ इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। और इसको हमने रख दिया है। अब ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ अच्छी तरह एक बार और हम लोग इसको गूंद लेंगे। और लगभग 7 लोई हम लोग तोड़ लेंगे क्योंकि हमें 7 लेयर इसकी बनानी है, इसीलिए। ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी लोई बना रही हूँ। और मैदे को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है, बस एक सॉफ्ट डो को तैयार करना है। यहाँ पर मैंने देखिए लोई बना ली है। अब हम इसको थोड़ा से सूखे मैदे की हेल्प से बड़ी पूड़ी बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक बड़ी पूड़ी, लगभग एक रोटी के आकार की पूड़ी बेल ली है ये।
ऐसे ही बाकी जो हमारी बाकी भी लोइयां हैं उन सबको भी हम इसी तरीके से बारीक बारीक बेल लेंगे। और अगर ये चिपकने लगे तो इनमें सूखा आटा लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी लोई ये बेल रही हूँ और ये आप अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। न्यू रेसिपी है, बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए मैंने यहाँ पर ये तैयार कर ली हैं सब। अब इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों की उंगलियों की हेल्प से, या फिर आप ब्रश भी ले सकते हैं। और ये सूखा मैदा थोड़ा सा इसमें मैंने छिड़क दिया है ताकि ये क्रिस्पी बनी रहें। और दूसरी लेयर इसके ऊपर ढक दी है। फिर हम वैसे ही थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ी सी मैदा उसके ऊपर छिड़क देंगे। सारी पूड़ियाँ हम लोग इसी तरीके से एक के ऊपर एक रखकर तैयार कर लेंगे। ये बनाने में भी बहुत इजी है, बस 15 मिनट लगभग, 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप इसे तैयार कर सकते हैं, टी टाइम रेसिपी है, आराम से चाय के साथ खा सकते हैं और बच्चों को भी ये पसंद आएगी बनाएंगे तो। और जो भी लोग मेरा वीडियो ये देख रहे हो अगर उन्हें ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। ये देखिए हमने यहाँ पर जो 7 पूड़ी बेली थी वो सभी ऐसे एक के ऊपर एक रख ली हैं और हम इसको रोल करेंगे धीरे धीरे हाथ से दबाते हुए अच्छी तरह से और हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए रोल कर लेंगे। ध्यान रखिए कि ये जो अपने पूड़ियाँ ये लगाई हैं रोल करते वक्त निकले ना, इसको धीरे धीरे एक ही साइड से प्रेस करेंगे अच्छे से थोड़ा सा। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया, अब चाकू की हेल्प से इसमें लगभग आधा आधा इंच के बराबर मैंने ये कट कर लिए हैं। जब आप ये कट करेंगे तो आप देखेंगे आपको लेयर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगी, बहुत सारी लेयर इसमें दिखाई देती हैं। ये देखिए, और यही इस मटरी की खास बात है। ये देखिए, ये बस हल्के हाथ से हमें इसको, और जब आप इसको बेलेंगे तो कभी कभी लेयर बाहर निकलने लगती है तो ठीक से एडजस्ट करते समय इसको बेलते हैं। और इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ, ये देखिए इसमें लेयर आप देख सकते हो, बहुत अच्छी लेयर दिख रही हैं। बाकी भी इसी तरीके से हम लोग बेल के तैयार कर लिए। ये देखिए मैंने सारी मटरी बेल ली थी, छोटी छोटी पूड़ियाँ,
ऑयल गरम हो चुका था और मैं यहाँ इनको तल रही हूँ। तलते समय हम लोग गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे और लो भी नहीं करेंगे, क्योंकि लो में फिर ये अच्छे से सिक नहीं पाएंगी, काफ़ी देर लगेगी। इसीलिए आप इसको मीडियम फ्लेम पर बना सकते हैं, सेक सकते हैं। जैसे जैसे आप इस सेकते जाएंगे आपको दिखाई देगा इसमें लेयर बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है, बहुत अच्छी लगती हैं और यही इसको क्रिस्पी बनाती हैं। और जब आप लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा, इजी रेसिपी है। इसमें ये देखिए, इसको फिर भी पलट पलट कर सेकेंगे ताकि कहीं कम या ज़्यादा ना सिके। ये देखिए, ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और आप लेयर भी देख सकते हैं कितनी मल्टी लेयर हैं ये। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग लच्छा पराठा बनाते हैं उसी तरीके से। तो ये देखिए, गर्मा गर्म लच्छा मटरी बनकर हमारी तैयार हैं। आप इसको देख सकते हैं। और ये देखिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।